और मैं वैसा कल की उनकी डेट थी, मैं वह डेट को कैंसिल कर दूँ। आप लोगों के बीच एक बात है, इसमें ना तो कोई लोकदल है, ना कोई बात है, ना कोई बसपा, ये हमारे भाई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वो सुनो, इसमें कोई पार्टी का मत उठाओ यार, यही मैंने यार ये हमारे भाई है, इनका साथ देना है, आपको भी देना, भाजपा को देना, कोई पार्टी नहीं है। वो मैंने क्लियर करके खड़े बताने की जरूरत नहीं, इसमें हम पार्टीबाजी से ऊपर उठते हैं, अपना क्षेत्र का हित देखते हैं और आप लोगों का हित देखते हैं, पार्टी से बस बस ठीक है ना। फिर भी अपनी पार्टी की तरफ से भाई मान लो जैसा यहाँ आ गए, कोई नहीं सोचा बच्चों साहब ने पता नहीं लिया यूँ है, आज आए ये सवाल भी खड़े हो जाओ, इन पर नजरअंदाज रहते हैं। इन पर थोड़ा ही है, कोई कंपनी ऐसी नहीं बची जिस कंपनी में से कर्मचारी ना निकाल रखे हो, लेकिन हम इतने बड़े नेता नहीं, हम तो इतने बड़े नेता है आप लोगों के बीच में, आप तक सीमित हैं। इस क्षेत्र में कोई भी समस्या होगी आपके लिए अपना खून बहाने लो, आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं मैं लोग दूर सिपाही बन जाएंगे। और ये भी मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान याद कराऊंगे। जीएम के स्तर पर नहीं होगा डीएम को बुलवाऊंगे, डीएम के स्तर पर नहीं होगा आपके साथ करने का, पूरा क्षेत्र रहेगा। और जब मैं रहूंगा ये ना मानियो कि यहाँ अकेला रह गया, 5-4 हजार लोग रहे, और जहाँ 5-4 हजार लोगों की आबादी हो जाए किसी आंदोलन को, जन आंदोलन हो जाए, ये तो आपको जानकारी होगी। तो आपके सहयोग में कल 10 बजे, वैसे तो मेरी डेट थी वहाँ की दिल्ली की, लेकिन मैं उसे कैंसिल करूंगा, आपकी समस्या का समाधान पहले करता हूँ, वार्ता होंगी, नहीं भी समाधान निकलेगा तुम्हें अच्छा लगेगा समाधान को निकालियो, नहीं अच्छा लगेगा मानियो ना, मेरी तरफ से कोई बुरा भला मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हें अपना हित तुम्हें देखना है, अपने हित को और अपने हक को तुम्हें पहचानना कि तुम्हारा हित और हक कायम जानकारी नहीं है। बाहर से कोई बुरी बात भी कही जा सके, कोई वो भी कही जा सके, उन सब बातों को माफ करते हुए अपने हित को तुम्हें अपना निर्णय हमारे निर्णय को ना मानते हुए अपने निर्णय को बनवाने का प्रयास करिए। कभी ये सोचो भाई विधायक जी आगे नाराज होकर चले जा, थारी बात रह जाएगी, आगे भी आंदोलन जितना लंबा चलेगा चलाइयो, अपने दम पर डटे रहियो, और हम भी पूरी कड़ाई के साथ देंगे। और इसमें यह भी नहीं, कोई और भी भाई आता हो, किसी भी दल का हो, इस वार्ता में तुम्हारे हित के लिए हम उस पर भी हमारा कोई एतराज नहीं है, उन्हें भी बुलाओ, कोई विधायक हो, MP हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आके बात करता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर काम करना चाहते हैं हम, पार्टीबाजी बात की बात है, तुम्हारा हित क्षेत्र का हित हमारे लिए पहले। और यह भी यहाँ तो तरह तरह की बात चलेगी, आप फाइल निकलवा लो मेरा बड़ा मिल में, और यहाँ फैक्ट्री की बढ़ने की बात आई, पर फैक्ट्री बढ़े, मैं 2012 में विधायक बना, 2012 से मैं 17 तक विधायक रहा, मैंने पहले सबसे पहले क्योंकि मैंने गन्ना तोल रखा इस मिल में, मुझे जानकारी थी। अब भी मैं दहा मीरपुरे से आया, वहां भी एक मामला था आर्य समाज का, वो तंबू ताट दिए, BJP का नहीं आवागा, यहाँ फलाने नहीं आवागा, उनका वो भी जो यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ में भी तूफान मचा दिया लोगों ने, हमने वो यज्ञ शुरू करवाया, अभी तक यज्ञ का बीच में रुक जाना अशुभ होता है, दोनों पार्टी बुला के किसी नेता के चक्कर में ना बढ़ो, मुझे भी मत बुलाओ, उन्हें भी मत बुलाओ, और अपना यज्ञ करो, राजनीति के चक्कर में मत घुसो, उन्होंने मान ली बात वहाँ चालू। अब मेरा ये निवेदन है कि 2012 में जब मैं विधायक बना, 13 में मैंने एप्लीकेशन लगाई इस मिल की, जानकारी कर लो, यहाँ बी एन सिंह थे उस टाइम GM, यहाँ बी एन सिंह GM ने यहाँ जमीन भी ले चुके थे, इसको एग्रीमेंट हो चुके थे, मैं एग्रीमेंट में था, कल शक्कर कारखाना सब भवन नई दिल्ली से टीम आई थी यहाँ एस्टिमेट बनाने के लिए, उस टाइम एस्टिमेट बना था इसका 311 करोड़ का एस्टिमेट बना था, उस टाइम को जनरेशन बिजली प्लांट भी था, जमीन ले चुकी थी, यहाँ विधायक कहीं का था लोकदल का, कौन था सुंदर रमाड़ा, BJP का MLA था कहाँ बड़ोत,
बीजेपी का एमएलए कहाँ था बागपत, दो बीजेपी के थे, एक लोकदल का था, था। लेकिन मिल की वृद्धि इसकी क्यों हुई जबकि ये लोकदल का विधायक था, यहाँ जहाँ बीजेपी का विधायक था उस मिल की वृद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका सारा काम इस्टीमेट तमाम चीज इसकी तैयार हो चुकी थी, मात्र चुनाव आ चुके थे, घोषणा होनी शेष रह गई थी, पैसा भी अलॉट हो चुका है। आए इनको मौका था, सरकार में जो रहेगा वही करेगा। हम आज सरकार में नहीं, मैं कह लगूँ यहाँ हवाई अड्डा बनवा दूंगा, कैसे बनवा दूंगा? जो लोग सरकार में होंगे वही तो बनवाएंगे, या मैं कल को पद से हट जाऊँ, गांव का प्रधान हट जा, मुख्यमंत्री हट जा, प्रधानमंत्री हट जा, जैसे ये पेरिफेरल हाईवे था कांग्रेस के टाइम का था, यहाँ किसान आंदोलन थे और उसके बाद आके बीजेपी ने बनाया, तो ये हमारा एक रूल रेगुलेशन है, इस देश का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ये मील पहले से है, उसकी कार्रवाई चल रही थी। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आप कर्मचारी हो, सन 1978 में चौधरी चरण सिंह जी, 1978 में उन्होंने 12,500 पावर की उसकी बनाई थी यार गन्ने क्विंटल गन्ने की, फिर कही डबल हुई 25 की हुई, 2,500 की फिर वृद्धि हुई, तो वृद्धि कोई है पहले नहीं हुई, पर पहले नहीं हुई, पहले भी वृद्धि हुई इसकी, आज भी वृद्धि है। लेकिन ये तो यू है भाई, मैं रबाड़े मिल रबाड़ा गांव के इकट्ठे होंगे, यहाँ मैंने चौपाल दी, वहाँ बहुत बड़ी चौपाल बनवाई, माननीय मंत्री श्री सतपाल सिंह जी उसके यहाँ बरात घर बनवा, हमने कभी ढोल ढाल नहीं पीटे, एक बार हमने ये काम करा दिया, चौधरी साहब ने बड़ो तो मैं वो दे दिया, स्टेडियम दे दिया, हमने ढोल नहीं पीटे, काम किए। 2012 में जब मैं विधायक रहा तो 10 करोड़ रुपए आए सड़कों की मरम्मत, 25 आए 13 में, 30 आए 14 में, 25 आए 15 में, 16 में फिर 32 आए, और जब तक दूसरी सरकार आई 5 करोड़ और 6 करोड़, ये पैसे की कैपेसिटी इन लोगों। लेकिन आज हमें धक्का दे दिया आप लोगों ने, हम सड़कों पे है कोई बात नहीं, हमें अपने इरादे नहीं तोड़ रहे, आप लोगों के बीच में फिर आए इरादे लेकर, आपकी जहाँ आपका पसीना पड़ेगा उस पसीने पर हम खून छिड़कने का काम ताकत देंगे। और इसमें आपको मैं ये भी कह रहा भाई, कोई भाई अगर ये चाहता हो, सभी दलों के लोग हैं, कांग्रेस का भी हो सकता है, समाजवादी का भी हो सकता है, बसपा का भी, सपा का भी, इन बातों से ऊपर उठ के कर्मचारियों का ये आंदोलन है और हम कर्मचारी बन के यहाँ आए, अपना भाई मान के कर्मचारियों को उसके बीच में आए। कोई भी वार्ता में रहना चाहगा कल को 10 बजे से कह दियो, आज भाई बात करेंगे, बात करके से सुलझवाओ, तुम्हारा जो आज तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हें नौकरी जाने के बाद में तुम्हें तुम क्या सड़कों पर रहेंगे? और ये भी सच्चाई है, एक लड़के ने भी आवाज उठाई, 6,000 रुपये में क्या होगा भाई, ये भी सच्चाई है, 6,000 रुपये में होगा क्या? 6,000 रुपये तो एक दिन का खर्च हो जा लोगों का, एक डॉक्टर का जा बैठो कितने पैसे लगे, सबसे ज्यादा शोषण अगर है तो गन्ने विभाग में, वो भी कोऑपरेटिव विभाग में सबसे ज्यादा शोषण, इनके पूरे पैकेज को मैं जानता हूँ कि कितना शोषण, 1500-1500 2,000 रुपये लोग नौकरी कर रहे हैं, और ये बत्ती आवे कमती आवे तो भाई सरकार जाने और ये लोग जाने। इसलिए मेरा निवेदन है कि कल को अपनी लड़ाई, कोई जरूरी नहीं कि आप संविदा पर और आपको वहीं रख दिया जाए, आपकी और भी कोई पहली डिमांड हो उसकी बात किया, और लगता पूरे मुस्तैदी के साथ आता बढ़ते हैं। मैं फिर का दोहरा रहा इस बात को, कोई भी भाई अगर इस बार का मैं कल को 10 बजे आना चाहता तो बुला, मुझे कोई एतराज किसी भी पार्टी से किसी भी व्यक्ति से नहीं है, ठीक है ना?